नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं मिस्टान फूड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का रिजल्ट कब तक आएगा और अभी के टाइम जो गिरावट लगातार नजर आ रही है तो गिरावट कब तक थमने वाली है तो उस पर भी चर्चा होने वाली है। प्राइस के रूप में अगर बात की जाए तो दोस्तों 1918 पैसे पर हम लोग को लास्ट क्लोजिंग देखने को नजर आई थी, जो गिरावट के अंदर नजर आई 48 पैसे का दोस्तों पर शेयर पर लास्ट सेशन पर गिरावट नजर आई थी। रिटर्न के तौर पर अगर बात करें तो दोस्तों 2.44% की रिटर्न्स पर बड़ी गिरावट देखने को नजर आई थी। पर अभी के टाइम अब कंपनी का दोस्तों रिजल्ट जो है क्वार्टर फोर का काफी जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने अपने जो दोस्तों जो टोटल जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो रिजल्ट्स को लेकर से जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर जो है अपनी जो दोस्तों कंपनी एजेंट को जो है शेयर कर चुकी है। तो अभी के टाइम अब कंपनी का रिजल्ट काफी जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम कंपनी ने दोस्तों लास्ट टाइम जो स्टेटमेंट जारी किया था सबमिशन ऑफ द शेयर ट्रांसफर एग्जिट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2024। तो कंपनी दोस्तों क्वार्टर फोर रिजल्ट्स को लेकर दोस्तों जो कार्य है वो यहाँ पे कंपनी के जो डेटा को दोस्तों कलेक्ट करने को लेकर दोस्तों अपने मैनेजमेंट को दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे सेल कर दिया है। और अभी के टाइम जो सर्टिफिकेट जो यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी सीधा सीधा यहाँ पे जो किया है सब्जेक्ट प्लीज फाइंड अटैच शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन इत्यादि सर्टिफिकेट ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2024, यानी कि क्वार्टर फोर रिजल्ट को लेकर कंपनी ऑलरेडी तैयारियों में जुट चुकी है। और अभी के टाइम अपने जो जितने शेयर थे दोस्तों ऑफलाइन डेटा या ऑनलाइन जो डेटा था वो अपने एजेंट को ऑलरेडी कंपनी ने शेयर कर दिया है। कमलेश एम सर एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड को दोस्तों कंपनी की तरफ से जो सेक्रेटरी है उसको कंपनी ने दोस्तों अभी के लिए जो अपने जो डेटा है वो यहाँ पे शेयर कर दिया है। जितना भी दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड वर्तमान में कोई इश्यू है या किसी भी शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम है तो अब दोस्तों जो कॉन्टैक्ट करेगा कुछ समय के लिए तो इस बेस पर कंपनी का लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कंपनी के रिजल्ट के अगर आने की बात की जाए तो कंपनी के रिजल्ट आप लोग को मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिजल्ट मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी के टाइम इस स्टॉक को दोस्तों मिड टर्म के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट बनने के जो आसार है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाले। रीजन क्या होने वाले कि इथेनॉल प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे जून में शुरू होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो डेटा है वो यहाँ पे बरकरार रहेगा। रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलने के जो चांसेज है वो पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो इस स्टॉक को दोस्तों अभी के टाइम अच्छा खासा जो है होल्डिंग बनाते हुए जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार दोस्तों शेयर होल्डर्स इस स्टॉक को बाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी पता है कि इस स्टॉक में रिटर्न जो है वो छप्पर फाड़ मिलने वाला है। जो रैली है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम इस स्टॉक को जितना हो सके अभी के टाइम होल्डिंग बना सकते हैं। रिकवरी की अगर खासकर बात की जाए तो वर्तमान में जो गिरावट नजर आ रही है तो वो जल्द वापस रिटर्न के तौर पर नजर आएगी, क्योंकि पिछले 1 ईयर की जो टॉप प्राइस है वो हम लोग को 25 रुपये 36 पैसे भी देखने को मिल रही है। जो वर्तमान प्राइस 19 रुपये 18 पैसे पर क्लोजिंग नजर आई है तो दोस्तों वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं जो 25 रुपये 36 पैसे पर मार्केट की वापस रिकवरी होगी और एक मल्टीबैग रिटर्न हम लोग को देखने को नजर आएगा। तो फिलहाल होल्डिंग बना सकते हैं। फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना या अपनी खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर शेयर कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं सेबी या NSE BSE से किसी भी प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं एजुकेशन पर्पज के लिए जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय।